आने के बाद जो है फिर पानी वगैरह बगाड़ियाँ उड़िया रन होते ना, रन होने में पूरी फिर वैसी ढप जाती है। इसके पीछे जो बैटर है ना ये टीम के, वो भी तरफ से जा रही है, जो दीवार है ना वो वहाँ से पूरा जा रहा है। पीछे मस्जिद का हिस्सा है, उसके बाद अंदर जो है मदारा है। क्या नाम है मस्जिद का? इस्माइल मस्जिद है ये। इस्माइल मस्जिद, जी हाँ, गुलना का इस्माइल मस्जिद है ये। हाँ। ये मस्जिद के जो बात अभी मस्जिद है ना, मस्जिद के बिल्कुल लक्के खबरा है ये, आप देख सकते हैं। ये जो कंसर्नल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें शेयर है। जी ये वही ब्रिज है जो मस्जिद खाना शहीद करे थे। जी हाँ, ये इससे आगे है, आगे है वो मस्जिद खाना। वैसी है, ब्रिज ऊपर से आ गया, मलवा नीचे है, इससे पहले आप आए थे। ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है ये? जी ये मस्जिद है ये। अच्छा, ये क्या था? ये मलगी थी ये? जी हाँ, ये मलगी थी। मस्जिद की कमेटी वाले कहाँ है? जी मस्जिद, ये मस्जिद के हिस्से में जो है मलगी थी, ये मास्टर प्लान में ले लिए इसके पीछे जो है। जी हाँ, तो मस्जिद वाले दिए कैसा? वही मालूम नहीं, वक्त बोर्ड वाले आए थे। वक्त बोर्ड वाले आए थे, वाले कोई अभी तक आए नहीं, कुछ पूछताने आनी है। असल हाँ, देखिए पढ़ेंगे जरा बैठ के सुनिए। मस्जिद खाना उधर, वो आगे है वो। जी आगे अभी तो ये क्या है, रोड डाल रहे, बाईपास रोड डाल रहे। जी हाँ, ब्रिज भी उतर रहा उधर। जी हाँ, मस्जिद है ना वो, वहाँ तो उतर रहा, दूर भी नहीं है ब्रिज, 1 किलोमीटर। ये जो है ना ऊपर से कवर करेंगे लोग, ये जो है इसके ऊपर बिठाएंगे वो लोग। किस पे? अच्छा, बिठा के ऊपर से अंदर भी जाएंगे वो लोग, उसके बाद ऐसी प्रोसेस करेंगे अंदर भी। हाँ, ये जो है ना ये कवर ऊपर से कर देंगे, इसके ऊपर बिठा के ब्रिज ऊपर से करेंगे। सारा में मस्जिद है मोहम्मद इस्माइल, कितने साल से है मस्जिद ये? अच्छा, ये कहीं बैठेंगे ना जरा, ये थोड़ा स्टडी करना है। मुझे लगेगा क्या मजार है, वकील साहब के वाली साहब भी है। अच्छा, ये आपके वाली साहब की मजार, ये कोर्ट को आप लोग ही गए थे ये? ये एक्चुअल कौन सा डिपार्टमेंट है जो बनारस से है? आर एन बी नेशनल कॉन्ट्रैक्टर। आपसे वक्फ बोर्ड वाले कोई बात करे आपके डिपार्टमेंट से? वक्फ बोर्ड के अंदर ग्रेव्स को इफेक्ट नहीं हुए जैसा, एलिवेटेड ये ब्रिज के अलावा सर्विस रोड के वास्ते एलिवेटेड रैंप 6 फीट हाइट का बना के कबरों को धक्का भी नहीं लगाना, और यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस से मशीनरी काम मतलब कॉशनली जो है काम करना बोल के ऑर्डर दी कोर्ट कबरों को। और एक कहा है माइक जो है आके उन्होंने इंस्पेक्शन करके गए अब्दुल कादर। MRO, RDO और टाउन प्लानिंग डिप्टी कमिश्नर GHMC, ये लोग सब जने पार्टी है। तो मेन ऑर्डर कहाँ है वो पढ़ाइए? दिस इज द मेन ऑर्डर, लास्ट का पैरा पढ़ लिया तो आपको जो है वो जज का क्या ऑब्जर्वेशन है आ जाता आपको। So, submission made to this court by the learned standing counsel appearing on behalf of the respondent. अच्छा, इसमें वक्फ बोर्ड वाले जवाब दिए? कोई भी काउंटर कोई भी नहीं डाले, सब जने नहीं डाले, वक्फ बोर्ड भी नहीं डाले, म्यूनिसिपल भी नहीं डाले, सब जने अंडरटेकिंग दे दिए कि इन्होंने जो चाह रहे वो हिसाब से हम कर देते बोल के दे हैव गिवन अंडरटेकिंग। तो देयर इज नो डिस्प्यूट, दे आर नॉट डिस्प्यूटिंग इट। हियरिंग ऑन बिफोर द रेस्पोंडेंट हैज नोटेड हियर इन अबव एंड सिंस द पिटिशनर हैज नो ऑब्जेक्शन टू द रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज अंडरटेकिंग अडॉप्ट। इसमें क्या बोल रहा हूँ, द पिटिशनर हैज नो ऑब्जेक्शन।
टू दी रेस्पोंडेंट्स अंडरटेकिंग दे हैव अंडरटेकन यस अंडरटेकिंग की कॉपी है आपका ने इसमें है यार एक मिनट अडॉप्टिंग द अफोरसेट कोर्स ऑफ एक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग एलिवेटेड रैंप ओवर द ग्रेव्स ऑफ द पेटिशनर्स फैमिली मेंबर्स हाउ कैन यू एक्सेप्ट द रैंप ओवर द ग्रेव्स वो लोग वहाँ पे पिलर नहीं डालते बोल रहे खबरों के पास नहीं समझे मेरी बात को यहाँ आप गलती कर दिए ना यहाँ एक दफा आप गौर करो आप अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट एज नोटेड हियर इन अबाउ एंड सिंस द पटिशनर हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू द रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज अंडरटेकिंग अडॉप्टिंग अफोरस्टेटेड कोर्स ऑफ एक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग एलिवेटेड रैंप ओवर द ग्रेव्स ऑफ द पटिशनर फैमिली मेंबर्स दिस कोर्ट इज ऑफ व्यू क्या हुआ जी रन दो ना क्या हो रहा है अरे कई को क्या हो रहा आपको क्या तकलीफ हो रही कई का बात कर रहे हैं ना क्या कर रहे हैं लड़ रहे हैं या बंडे मार रहे हैं क्या कर रहे हैं आपको इधर भी कई को हाँ कर रहे लोग आए तो कोई लोग मिलना नहीं मिलना क्या बोलो हम आपको कई को कंप्लेन करेंगे हम कोर्ट को कर दे कंप्लेन नहीं ऐसा नहीं करना ना एक आदमी मैं ठहरा हूँ आप मेरे सामने हकल रहे लोगों को तो क्या इज्जत रहती हमारी अरे रहेंदो जी क्या कर रहे हैं बोलो आप अच्छा है ना आपके वास्ते अच्छा है ना ठीक है मैं आपके इंस्पेक्टर से बात करता हूँ खामोश बैठो दिस कोर्ट इन द व्यू दैट द रेस्पोंडेंट अथॉरिटी शुड बी डायरेक्ट टू इंश्योर दैट नो देखो आप यहाँ पीसफुल हो रहा है पीसफुल होने दो आप ये जो भी पीसफुल हो रहा है पीसफुल बात होने दो आप गड़बड़ करते हो मेरे को भी गड़बड़ करना पड़ा आप चाह रहे हैं गड़बड़ होना बोल के नहीं हमारे एसआई साहब आप चाह रहे हैं यहाँ गड़बड़ होना बोल के आप फिर क्यों कर रहे हैं आप बोलो आप मैं अच्छा काम कर रहा हूँ मैं बैठ जाऊँ क्या धरना यहाँ पर बोलो आप गड़बड़ करूँ क्या बोलो आप फिर आप सब्र करो आप खामोश बैठो I will handle the situation. बस constructing elevated ramp over the graves of the petitioner family. Remember, this court is of the view that the respondent authority should be directed to ensure that no part of the grave of the petitioner family members are affected in the course of construction and the respondent authority shall undertake the exercise of construction with due care. आपका सबसे बड़ा fault ये हुआ कि आप ramp मान लिया आप समझे मेरी point को आप आप माय ऑब्जेक्शन करना था ये पैरा उन लोगों का जो अंडरटेकिंग की बात कर रहे थे हियर लर्नर्ड काउंसिल फॉर द पेटिशनर लर्नर्ड गवर्नमेंट लीडर फॉर ए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट अपीयरिंग रेस्पोंडेंट श्री अबू अकरम लर्नर्ड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर टू श्री के रविंदर रेड्डी लर्नर्ड स्टैंडिंग काउंसिल अपीयरिंग फॉर सो द केस ऑफ द पेटिशनर इन ब्रीफ इज दैट द land in survey number 6/2 and 9/2 is recorded as a graveyard and the Patta land adjacent to the mosque which is constructed by the petitioner forefathers that there are graves of the family members in the subject land and that the respondent authorities in the name of widening of road are threatening to demolish graves of the family members of the petitioner affecting the religious sentiments on the aforesaid submission being made to this court on 5/3/2000 the learned standing council was directed to get a written instruction informing this court the course of action which the respondent authorities intended to adopt to deal with the subject property of the petitioner today when the matter is taken up for the hearing learned standing council appearing on behalf of the respondent number 3/7-9 has placed before this court the plan drawing showing that the authorities intend to construct elevated ramp over the graves नहीं ऑब्जेक्शन करना था हाउ कैन दे बिल्ट अप ए ग्रेव रैंप बोलो आप यहाँ बोलना था नो दे कैन नॉट बिल्ट अप ए ग्रेव बोल के बोलना रैंप ऑन द ग्रेव बोल के व्हाई हैव यू एक्सेप्टेड दैट वाज एक्सेप्टेड हाँ फिर पेटिशनर्स फैमिली कनेक्टिंग अब उन्ना लाते वो लाके वो ढांचा बिठा के चले जाते क्या करते आप वही नहीं कोर्ट कार्ड रहे आप सुना अरे भाई देखो ऐसा है अपन चावल रहता ना पूरा नहीं चेक करते ऐसा एक दाना मत के बोल देते खाना पक गया बोलते तो ये हो गया लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल फर्दर सबमिटेड दैट एलिवेटेड रैंप स्ट्रक्चर ओवर द ग्रेव 6
ऑफ द पेटिशनर्स फैमिली वुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय मेंटेनिंग मिनिमम 6 फीट मिनिमम हाइट ऑफ 6 फीट वो कितना फीट आ रहा हूं नहीं नहीं वो 1 2 फीट होगा हां 6 फीट एंड सच देयर वुड बी नो इंपेंडिंग टू ऑफर इंपीडमेंट टू ऑफर सेरेमनीज बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ द वुड बी नो इंपीडमेंट इंपीडमेंट to offer ceremonies of the petitioner's family members or there would be no destruction of the graves. Learned Standing Council further submits that the authorities are taking up construction of the elevated ramp over the land where the petitioner's family members gave the situation to. ठीक है अब आप क्या चाह रहे हैं कि इसमें as per court का order यह है कि 6 फीट का वो बनाना वो लोग elevated ramp बनाना तो ये officers क्या कर रहे हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं बना रहे हैं 6 फीट का ramp से service road का जो है प्लान कर रहे हैं फोन पकड़ो हां इधर ये जो जगह दिख रही है ना ग्रेव्स एंड वजूखाने के पास के बीच में से सर्विस रोड मस्जिद को कैसा डैमेज करते हैं लोग वजूखाना इफेक्ट होता अगर वो रोड ले रहे हैं तो वजूखाना और सीढ़ियां लेने का वो है अगर रोड देना है तो रैंप नहीं बना तो अगर रैंप बना तो रैंप अपने को वहां से लेके ये ड्रेनेज के जो तो पत्थर है ना जरा इधर ही जाता मस्जिद को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता फिजिकली अगर वो रैंप नहीं बनके अगर रोड दे रहे तो देन थोड़ा पार्ट ऑफ द मास विल बी अफेक्टेड ऐसा नहीं भाई वर्कबोर्ड इसमें अंदर जो है ना अपन पीछे ठहरे ना ये दीवार है दीवार से पूरा खबर है अब ये भी अब अपन ये सेक्टर रोड आओ ये पूरा यहां से मार देते ना पूरा यहां से मार देते वो खबर बचा देते प्लेयर भी आ रहा है मार के क्या करते पूरा मार देते ये आप समझे बात को आप बोले खबर बचाओ खबर बचा देते उन्होंने क्या करते है वजूखाना पूरा मार देते मार के इधर उतारते उसको साइड रोड को अच्छा इसमें आप वर्कबोर्ड को इम्प्लीमेंट करें ना है पार्टी है तो बोलिए ये वर्कबोर्ड की प्रॉपर्टी होती से नहीं है हाँ ये हमारी ओन है हमारे दादा के नाम से है मैं भी भाई चू नो भी भाई से हमारे दादा की वसीयत थी कि मेरे नाम से एक मस्जिद बना तो हम हमारी जमीन में से मस्जिद दे के बनाए सो है ये ठीक है हमारी मस्जिद है मस्जिद को एक पैसे का एक रुपए का कोई चंदा नहीं आता वो ले तो हमारे बड़े भाई है उन्होंने संभालते पूरी मस्जिद हम लोग ही संभालते ठीक है इसको एक रुपए का मस्जिद को चंदा आता ना वर्कबोर्ड से एक रुपए का खर्चा आता ना कुछ आता वर्कबोर्ड का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है अब लोग बोलते हैं भाई मस्जिद बन गई वर्कबोर्ड का इन्वॉल्वमेंट अगर हम आपको दिए वर्कबोर्ड कुछ हम सामान बोलते वर्कबोर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता वर्कबोर्ड की बात ही नहीं है खाली वर्कबोर्ड आके यहाँ पे आप वर्कबोर्ड को पार्टी कहीं बोले सुनिए आप अगर फर्ज करिए अल्लाह आपको दिया आप चला ले रहे हैं अगर आपके ने नहीं है पैसे तो आप वर्कबोर्ड को बोलना हमारी मदद करो आप खुद भी अगर चला लिए अभी से बना लिए ये लाख भी आप नहीं बदल सकते वर्कबोर्ड के बगैर परमिशन के समझ रहे हैं आप मेरी बात को अब जिसके भी लोग जो है करोड़ों रुपए के जायदाद ना जो वक्फ करके गए आज उनकी आल औलाद ये बोल रही है कि हमारे दादा परदादा वक्फ करे अब हम जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करते नहीं कर सकते वैसा आप पहले ये समझिए कानून इस्लामिक आप वक्फबोर्ड एक्ट को पढ़िए पहले वकील साहब भाई बोल सकते हैं कि वक्फ बाई यूजर क्या है ये अब ये मैं देखा मस्जिद मैं जब वक्फबोर्ड को कॉल करके बोलता हूँ साहब ये मस्जिद है उन्होंने लिख लेते जियो इशू करते तो ये जो प्रॉपर्टी है ये अल्लाह की मिल्कियत है अब ये आपकी नहीं है मेरी नहीं है ये वन से वक्फ ऑलवेज से वक्फ और जमीन से लेके आसमान तक ये मस्जिद है ये अब पहले ये है कि पहले आप लोग वो जो दीवार वो जो मलियां दिए वो किसकी इजाजत से दिए पहली चीज उन्हों कौन है तोड़ने वाले वो इसमें वर्कबोर्ड क्यों सो रहा झगड़ा आपका नहीं है वर्कबोर्ड इज द कस्टोडियन डिपार्टमेंट बात करना आप समझ रहे ना मेरी बात आप कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं थी वर्कबोर्ड को बोलना था तो वर्कबोर्ड इज ए कस्टोडियन ऑफ ऑल ग्रेव्स ग्रेवयार्ड्स मस्जिद शिल्लास दरगास आशुर खानास आई हैव बीन गिवन सेवरल रिप्रेजेंटेशन टू ये नहीं करे उन्होंने दे वर नॉट एक्टेड देयरफॉर आई वाज कंपेल्ड टू माय यू हैव गिवन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस देयर वाज नो एक्शन Therefore, नहीं करे एक्शन देखो इलेक्शन था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था सब परेशान थे चेयरमैन नहीं हुआ बॉडी नहीं सीईओ नहीं वर्कबोर्ड का दफ्तर तो बेवा का दफ्तर है मालूम है आपको ठीक है इसमें करेंगे अपन है मालूम है ब्रिज डाल देते बोल रहे इंजीनियर साहब सामने हाउ नहीं हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज आने का एंट्रेंस कहां से एक बार पूछ लो नहीं नहीं हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज आपका क्या प्लान है बोलिए मेरे एक्चुअली अभी हम लोग का जो फ्लाईओवर कैन यू व्हाट्सएप मी मेरा नंबर लिखो जरा इनको मेरा नंबर लिखो 924
तो ये बड़ा ब्रिज है, ये सर्विस रोड के वास्ते वहाँ पे ग्रेव्स रहने की वजह से ग्रेव्स को नहीं अक्वायर करे तो वो ग्रेव्स को बचाने के लिए दे आर जो है डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट टू कंस्ट्रक्ट दिस एलिवेटेड रैंप। सो देयरफॉर इफ दिस पर वो लोग एलिवेटेड रैंप नहीं बना रहे ना, वो लाके डब्बा बिठा दे रहे हैं ऊपर, यू हैव टू अप्रोच द हाई कोर्ट अगेन। मेरी बात को आपके हु इज द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो ये आरएनबी वाले कर रहे हैं, आरएनबी एंड नेशनल हाईवे दोनों मिलके कर रहे हैं, इसमें बजट नेशनल हाईवे का है या आरएनबी का है? पूरा टोटल बजट इज नेशनल हाईवे में आरएनबी भी होता है। हाँ वो तो मालूम मेरे को, लोकल जैसा है जीएचएमसी बॉडी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करती है उसमें, तो जीएचएमसी एज अ मेट्रो रेल है, उनको पार्टनर रखते, इन्हों पैसे देते, उन्हों रोड मेंटेनिंग करके जगह क्लीन करके पोल्स हटा के वाटर पाइपलाइन से सब हटा के इनको देते जगह, दैट इज द सेम थिंग ना। सो आरएनबी इज असिस्टिंग यू, देर इज नो रोल ऑफ आरएनबी, दिस इज एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो लोग कर रहे हैं। तो आप मेरे को एक थोड़ा हेल्प करिए, जरा इनका नंबर लिख लेता हूँ। जी सर, कैन आई हैव योर नंबर? 9963 9963 470 470 670। आपका नाम सर? सुनील सर, सुनील प्रोजेक्ट मैनेजर सर, आई एम कॉन्ट्रैक्टर साइड सर। या आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, आई नीड मेरा भी नंबर लिखा है। नेशनल हाईवेज आर नॉट कमिंग हियर, दिस मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज गिविंग द बजट फॉर दिस। हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिज? Total 145 crores. Okay. So this side ramps are also being built by you only? Yes, sir. Okay. Actually, there is no side ramps, sir. Uh-huh. We have to construct only service road. Okay. During the preparation of DPR, from here to that one. Yeah. This one is main flyover. Okay. Ramp will come on the side of. Okay. ये लोग मार्किंग कर रहे थे व्हेन दे वर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट, आप लोग काम डिसमेंटलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम 2018 से चल रहा है, 2018 मई महीना से ये सब डिसमेंटलिंग हो रहा है। टोटल 226 प्रॉपर्टीज है टोटल एंटायर, या उसमें से मैक्सिमम मतलब डिसमेंटलिंग कर दिया और पैसा भी दे दिए लैंड ओनर। अभी क्या रह गया सर? कुछ Have you paid any compensation before? Yes, sir. Land is there. Maybe 5-6 lakh amount was deposited in the land acquisition court. Court. Yes, not to work court. Not to work. Land acquisition court. अच्छा, ये मस्जिद खाने वाले जो गलती करे ना, वो गलती आप लोग नहीं करना। वो लोग क्या करे, चेक एक्सेप्ट कर दिए, नहीं नहीं अपन हमारी ओन प्रॉपर्टी है बोल के उसमें आके फंस गए वो लोग, 60 lakh की चोरी करे बोल के। ठीक है, विल स्पीक टू योर ऑफिसर्स, बट सी दैट, सी दिस इज ए वेरी रिलीजियस केस। इसमें क्या होता, पूरा सेंटीमेंट, नहीं नहीं नहीं, इवन वी कैनॉट सी, वी कैनॉट हेल्प यू इन दिस मैटर, ही कैनॉट हेल्प मी, आई कैनॉट हेल्प यू, नोबडी कैनॉट हेल्प यू। यू हैव टू टेक सम अल्टरनेट, हाउ टू अवॉइड दिस डिमोलिशन, हाउ टू अवॉइड दिस डिस्ट्रैक्शन, एंड we are not against construction of a bridge. That one is a service road, sir. We okay. constructed up to there. Yeah. Then it will happen. What happens, sir? Total from there to there, total shops and everything. Everything will go off. To save this masjid and graves. Only graves, sir. Okay. To save the graves. Total either that side 100 meter, this side 100 meter. Everybody will lost. How many properties will go? Around 20 properties, sir. Then one thing we'll do. We'll sit in the office. We'll see the map. Then we'll find out some amicable solution.
because I cannot take any decision with regard to this and masjid. He cannot take any decision. Whatever local peoples are standing, nobody can take any decision. Tomorrow you may fall in problem or like that Masjid Aga Khan happened. The KCR lost Muslim votes just because of that demolition. Now his power has gone. So tomorrow if the Congress helps you, if the Congress is under pressure from Kishan Reddy, अपने को मिनिस्ट्री फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट हाईवे से अपने को कोई ताल्लुक नहीं है, वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड इसका जिम्मेदार है। इफ द वक्फ बोर्ड डजंट एक्ट, अपन वहां धरना देंगे। समझ गया ना? लेट द वक्फ बोर्ड प्रोटेक्ट। हां, वक्फ बोर्ड प्रोटेक्ट सब्जेक्ट दे, खाली सपोज टू बी हियर, खाली तनख्वाह खाने को है। एयर कंडीशन गाड़ियों में उठ रहे 5-5 लाख की, 10-10 लाख की। तो आप वक्फ बोर्ड को एक्शन में लाना, समझ रहे मेरी बात को? ये हाई कोर्ट को कब जाते हैं जब आप पॉलिटिकली कमजोर हो जाते हैं, जब आप पांच वक्त नमाज होती, ईद की नमाज होती, जुम्मे की नमाज होती, मस्जिद जो है आबाद है। ये पूरा यहाँ तक जाता है, इसका मतलब तकरीबन अगर अंदर मार कर होंगे ना लोग नहीं करे तो अच्छी बड़ी मस्जिद है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, मस्जिद जो है कायम है, मतलब नमाज़ा होते हैं, मुसल्लियां भी आते माशाल्लाह। किसी का भी कोई यहां पर पूरा बात समझे नहीं आप? थोड़े तो रोड आ जाती है, ये थोड़े तो रोड आ जाती है, आपकी एंट्री बंद हो जाती है। नहीं, रोड से चालू होती है ऑलरेडी। मीनार का जो है प्लेयर है, ये मीनार का प्लेयर है, मस्जिद का प्लेयर नहीं है जी। मस्जिद का प्लेयर है, मीनार का प्लेयर वहां है। सुनो सुनो, आप एक जरा ठहरो जी, एक जने बात, आप जो बात बोल रहे हैं ना, कि यहां मस्जिद का ब्रिज डाले ना, हां वो है आता, हां आता मस्जिद में कैसे आना? हां, अब उन्होंने क्या करते हैं, वहां से फिर 6 फीट का और रैंप डाल देते हैं। हां, मस्जिद को एंट्रीज बंद है। अच्छा, फिर वो क्या बोल रहे हैं, निकाल ले रहे अपन 20 प्रॉपर्टी वो हो रहे हैं आगे। हां, ब्रिज डाल दिए तो अगर अपन थोड़ा आगे खाली है सब 20 प्रॉपर्टीज किसके है सुनील साहब? 20 20 एक मिनट, मेरी बात सुनो। बोलो बोलो, एक मिनट एक के बाद एक बात।